सर्जिकल स्ट्राइक 28 सितंबर को 110 आतंकवादियों को मार के आई, सारे देश ने खुशी मनाई। हेमराज की मां ने चिट्ठी लिखी कि मुझे नरेंद्र भाई मोदी को मिलना, पर इस देश में एक कमबख्त आदमी ऐसा भी था जिसने कहा क्या प्रमाण है सर्जिकल स्ट्राइक का। पुलवामा में हमला हुआ, 41 जवान शहीद हुए, ये 23 फरवरी 2019 की बात है। 13 दिन के बाद माननीय नरेंद्र मोदी आपने बालाकोट को जला करके नाश कर दिया। पाकिस्तान की सीमा सेना ने कहा क्या नाम है, उन्हें भारत माता की जय, कौन सी बंदर है, भारत माता की जय, ये सारी चिंदाल चौधरी जो पटना में पाटलिपुत्र में इकट्ठी होने जा रही है, इन सब ने सोचा नरेंद्र मोदी को गाली देने का, इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये इमरान खान तो मीटिंग में आया नहीं, बाजवा आया था, टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था, और ने बोला नरेंद्र मोदी ने लाहौर में 21 मिसाइल लगा रखी है, या तो 8:30 बजे तक इसको छोड़ दो, नहीं ये लाहौर चल के रात को जाएगा जैसे बालाकोट। मैं यही बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सैनिक 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी 62 की लड़ाई में हमारा शहीद की सिंधु पड़ोसी उठा के लाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं युद्ध के मैदान में कलाम साहब ने चिट्ठी दी थी कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को लड़ाई में पाकिस्तान जैसा बेईमान सामने और नहीं जाना चाहिए। वाजपेयी जी कलाम साहब के घर चले गए, बिना बैठे आदमी का भी बड़ा सा फायदा हो है कि आदमी किससे कहे, कलाम साहब भी बिना बैठे वाजपेयी कलाम साहब को कहा मेरे तो चार कुर्ते चार धोती है, मेरे कैद में कोई रोगड़िया नहीं, कोई बहाना नहीं है, तो मैं समय की कमी है, मैं अपना स्थान दूंगा।
अपने भूमि से निर्वाह कर रहे हैं। आदरणीय धनबाद लाल बच्चे से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दे। पांच बार उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रभारी पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे त्रिपुरा से माननीय विप्लव देव जी, जो कि बहुत ही ऊर्जावान नौजवान हमारे प्रभारी हैं, और उनके दिशा निर्देश में जिस तरह से जब से उन्होंने यहाँ का प्रभार संभाला है, हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ता दिन दोगुनी रात को उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, और उसी के साथ लोकसभा के अंदर जो भी हमारे इधर की समस्या को बड़ी मजबूती से उठाते हैं, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे सड़क का हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, सभी मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाते हैं। सम्मानित मंच और ऐसा जी शर्मा जी सही बोल रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए अच्छी बात तो कर रहे थे, टाइम नहीं देते, किस लिए रैली करी है, जब किसी की सुनाई नहीं होती, मंत्री को बोलने नहीं देते, दुनिया की आवाज है ये तो। और ये प्रधानमंत्री जी कलयुग का कृष्ण है, सभी को पता है, और ये जीते भी गए सभी को पता है, और वोट ना देने वाला भी वोट देगा इसको। हम वापिस आ रहे हैं, नेता तो और भी आए उनकी बात सुने, उनकी बात तब सुनेंगे ना जब, मतलब सही बात तो हो रही है, बात बढ़िया चल रही है, उसमें भी बात हो जाना अच्छी बात नहीं। उन्होंने कहा टाइम का अभाव है कि ना अभाव चाहे 36 बार अभाव हो रैली के लिए, टाइम का हो क्या होता है, टाइम का क्या होता है, चुनाव नेता उसको नहीं बोलने देते, ये सब बकवास कर रहे हैं, सब बेकार की बात है। दबाने की कोशिश करते हैं जी, दबाने की कोशिश करे, इंसान ने सारी जिंदगी निकाल दी अपनी, इस पार्टी से जानते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बोलते तो देश हित के लिए है भाई। आज हम वोट मांग रहे किसके, मोदी के वोट मांग रहे ना, तो वो मोदी का ही तो नेतृत्व कर रहा है, मोदी के लिए तो बोल रहा है भाई। जनता को देखो एक जोश, मैं जोश को थोड़ा जगाना, खून को थोड़ा गर्म करना, ये बातें उनमें है, बोलने का जज्बा है, तभी तो बोलते हैं। ठीक है मारकन से वोट जीताऊंगा, मारकन तो ना उठ रहे हो भाई, नाम बताओ, राम विलास शर्मा ने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैं कहूँ को नहीं, आज तो बड़ा हरियाणा में ताइत को नहीं, तो मैं ही सुना फौज में कप्तान बन क्या है, सिपाही गया था मैं, और लोग नाराज होके जा रहे हैं। इतना काम करता जिंदाबाद।